ओम नमः शिवाय। जो भी रोगी व्यक्ति है, जिसके परिवार में रोग बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, उनके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है और वे अपने रोग को ख़त्म करने के लिए बहुत से उन्होंने कार्य किए, बहुत से जत्न उन्होंने किए। नौवे नवरात्र और चतुर्थी वाले दिन यदि आप इस वशीकरण विधि को करते हैं तो आपके परिवार में या आपको जो बीमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और आप बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, बीमार होने के कारण आप कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाते, आप हमेशा अपने घर में ही रहते हैं, आप काम पर भी नहीं जा पाते हैं, या आपके परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, उस बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए ये सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधि बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यदि आप इस विधि को नौवे नवरात्र या चतुर्थी वाले दिन आप करते हैं तो जो बीमार व्यक्ति होगा वो बीमार व्यक्ति उस बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और उसकी जो भी बीमारी थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। केवल आपने पूरे विधि विधान के साथ आपने इस विधि को करना है और आप इस विधि को करने के बाद आपने इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। जो भी पुराने साधक साध्वी हैं या जो नए साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकें। आपने इस वशीकरण विधि में क्या करना है, आपको इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए एक कपूर की टिक्की। आप यदि आप इस प्रकार से छोटी कपूर लेते हैं तो आपने कम से कम 4 कपूर तो ज़रूर लेनी है और यदि आपको साबुत टिक्की मिल जाती है इस प्रकार से तो आपने इसका ही प्रयोग करना है। और आपको चाहिए थोड़ा सा पानी, चाहे आप किसी भी बर्तन में लें, चाहे बड़े में चाहे छोटे में लें। तो आपने क्या करना है, जो बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के सर से पांव तक आपने इस टिक्की को आपने 7 बार उतारना है। उतारने के बाद आपने इस टिक्की को, यदि आपने ये 4 टिक्की उतारी है तो आपने इन 4 को आपने जो आपने पानी लिया है उस पानी के अंदर आपने इस प्रकार से डाल देना है और जब तक ये अच्छे से घुल नहीं जाती, इसको आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं और इस पानी में अच्छे से ये घुल जाए तो आपने उस बीमार व्यक्ति के सर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें। तुरंत ही इस पानी को आप कहीं पर भी बाहर जाकर सड़क पर जाकर फेंक दें, आप देखेंगे उस व्यक्ति के जो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा था वो बीमार व्यक्ति अगले ही दिन से उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी और उसके जिस बीमारी के कारण वो किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे वे अपने काम पर भी जा पाएंगे, वो अपने कार्य को भी पूर्ण कर सकेंगे केवल और केवल इस छोटी सी वशीकरण विधि के करने से। और इस वशीकरण विधि को आप नौवे नवरात्र किसी भी समय कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय लगे। केवल आपने एक बार ही इस विधि को करना है और उसके बाद इस पानी को आपने उस व्यक्ति के सर से एक बार उतार कर अपने घर से बाहर जाकर आप सड़क पर फेंक दें। बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द ठीक कर सकते हैं केवल। और जब आप इस विधि को कर रहे हैं तो कोई आपको टोके ना रोके ना, अपने परिवार के सदस्य को बता सकते हैं कि जिस समय इस विधि को कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की रुकावट ना करें। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।